नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की बात करते हैं। ऑटो सेक्टर की कंपनी है, स्टॉक प्राइस 1480 में है 4 अगस्त 2023 को। 4 अगस्त 2023 को Q1 FY24 के नतीजे आने वाले थे तो अपडेट आ गया है। तो नंबर्स को चेक करते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट को देखते हैं, पहली तिमाही Q1 FY24 के नंबर्स देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट रहा है और कितनी ग्रोथ रही है रेवेन्यू में, टोटल इनकम, प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर। तो इन पॉइंट्स को देखेंगे, उसी के अनुसार शेयर प्राइस का एनालाइज करेंगे कि अगले 3 महीना 6 महीना कैसा रह सकता है शेयर आपके पोर्टफोलियो में है। तो स्टॉक में एक तेज़ी तो बनी है और पिछले एक साल का जो रिटर्न 18% का रिटर्न है, 1487 में स्टॉक प्राइस है इस वक्त, और 5 साल का रिटर्न 57%। नंबर्स को देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट रहा है, ग्रोथ क्या रही है। दोस्तों फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का। 30 जून 2023 के नंबर्स हैं, करोड़्स में नंबर्स हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। और देखिए इनकम की बात करते हैं सीधे से, इनकम 30 जून 2023 के क्वार्टर में 33,406 करोड़ का रेवेन्यू है, इनकम है। और ये टोटल इनकम की बात करते हैं तो 34,698 करोड़ का है, 34,698 करोड़ का टोटल इनकम हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा का। और Q4 में था 32,849 करोड़ का, एक साल पहले 28,628 करोड़ का था। तो देखिए ये बढ़कर जो टोटल इनकम है 28,668 करोड़ से ये बढ़कर 34,698 करोड़ का टोटल इनकम है। तो ग्रोथ है Q1 FY24 में 30 जून 2023 के क्वार्टर में जो टोटल इनकम है 34,698 करोड़ का, सालाना भी बढ़ा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़कर आया। आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो देखिए टोटल एक्सपेंसेस ये कॉलम है और 30,492 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू बढ़ा तो एक्सपेंसेस भी बढ़कर आया है ये अब की बार। सीधे से देखिए अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट है 4,467 करोड़ का है। प्रॉफिट जो आया है इस क्वार्टर में Q1 FY24 में, देखिए प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स 3,683 करोड़ का है, 3,683 करोड़ का प्रॉफिट आया है। 2,998 करोड़ का मार्च के क्वार्टर में था और एक साल पहले 2,360 करोड़ का। तो 2,360 करोड़ एक साल पहले था ये और बढ़कर हो गया 3,683 करोड़ का। तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है मुनाफे में भी और टोटल इनकम में भी, और अर्निंग पर शेयर भी देखिए इसका अब बढ़ गया होगा। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो अब बात करते हैं अर्निंग पर शेयर। देखिए प्रॉफिट बढ़ के रहा है तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया है, 31.50 का है इस क्वार्टर में और इससे पहले Q4 में 23.68 का था, एक साल पहले 19.74 का था दोस्तों। तो Q1 FY24 में जो परफॉर्मेंस है महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जो अर्निंग्स आए हैं उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और ज़बरदस्त नतीजे पेश किए हैं। मुनाफा 3,560 करोड़ का हो गया है, 3,560 करोड़ का मुनाफा हो गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा को, और टोटल इनकम हो गया है देखिए 34,698 करोड़ का है। तो सालाना भी बढ़ा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है। Q1 FY24 में ग्रोथ देखने को मिली है महिंद्रा एंड महिंद्रा में दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं, एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार बात कर लेते हैं। देखिए नतीजों में इंप्रूवमेंट है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो स्टॉक देखिए मार्च के महीने में 1100 पे था, ये 1127 में था, अब बढ़कर देखिए धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है ये, और इसने जो हाई बनाया है 1594 का बनाया, यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। देखिए स्टॉक नीचे की तरफ आया था ये 1400 के आसपास, 1438, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ है, देखिए 1497 में है। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 1509 का रहेगा, इसके ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। 1538 ये रेजिस्टेंस होगा और 1538 के ऊपर स्टॉक रहेगा तो मान के चलिए 1570 और 1600 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए टेक्निकली एक तरह से बुलिश मोड है, जब जब इसमें गिरावट आ रही है
तो बाइंग आ रही है। देखिए यहाँ भी ये ऊपर की तरफ गया था 1427, उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग मिली 1361, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो कहने का मीन्स ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखिए ग्रोथ देखने को मिल रही है फंडामेंटली, और टेक्निकली बात करते हैं तो जब इसमें गिरावट हो रही तो बाइंग आ रही है। आने वाले समय में स्टॉक हमें 2000 के पास भी जाता हुआ दिखेगा, लेकिन ये समय लगेगा दोस्तों। तो जिनके पोर्टफोलियो में है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार। 1600 को भी ये ब्रेक करेगा आगे आने वाले समय में, और नीचे की तरफ अगर स्टॉक दिखता है यानी हमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब देखिए जो लूज हैंड होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो जिन्होंने देखिए लंबे समय के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को लिया है तो होल्ड करना चाहिए, और ये 2000 के ऊपर भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट पैटर्न के अनुसार है जिसमें बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। 1500 के आसपास स्टॉक प्राइस है महिंद्रा एंड महिंद्रा का नतीजों के बाद, और Q1 FY24 के नतीजे थे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो मार्केट कैप है 1,84,800 करोड़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 451 का, तो अपने बुक वैल्यू से 3 गुना ही ऊपर की तरफ ये कारोबार कर रहा है। फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ का, डिविडेंड यील्ड 1.09 का है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है इसका 82 का अर्निंग पर शेयर हो गया है, तो प्रॉफिट आ रहा है तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, तो स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है। तो अपने बुक वैल्यू से 3 गुना ही ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, और आने वाले समय में एक बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में। तो नज़र बनाए रखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक में। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।